अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमारी एडोबी इनडिज़ाइन की क्लास नंबर 19 और पार्ट टू है। पार्ट वन में हमने फाइल एडिट व्यू फाइल एडिट वगैरह के मेन्यूज देखे थे और आज हम जो है ऑब्जेक्ट टेबल व्यू विंडो और विंडो का मेन्यू देखेंगे। जो हमारा पार्ट वन था उसमें हमने जो है फाइल एडिट लेआउट और टाइप मेन्यू देखे थे। आज जो है हमारा जो पार्ट टू टॉपिक है क्लास नंबर 19 का उसमें हम जो है ऑब्जेक्ट टेबल व्यू और विंडो और ये देखेंगे। स्टूडेंट इसमें से हम काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं। जब हम कमांड्स करते हैं तो उसमें हम मेन्यूज़ की कमांड भी यूज़ करते जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा हम ओवरव्यू ज़रूर लेंगे, टेबल का ओवरव्यू लेंगे, इसमें व्यू वगैरह का देखेंगे, विंडो और ऑब्जेक्ट। चले चलते हैं अपने इनडिज़ाइन पे। इनडिज़ाइन पे कोई फाइल हम खोल लेते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं ये एक फ़ाइल खोल लेती हूँ अपने पास। यहाँ पर ये फ़ाइल मैंने खोल ली है और आपके सामने है। अब हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। टाइप तक हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, जो है ऑब्जेक्ट से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट पर हम आते हैं और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म। देखिए ट्रांसफॉर्म में आपको सब चीज़ें आती हैं। अगर कोई भी चीज़ आपको मूव करना हो, ऑब्जेक्ट है जाहिर सी बात है, तो ऑब्जेक्ट में मूव करना हो कोई भी चीज़ तो आप मूव करवा सकते हैं किसी भी पोजीशन पे, किसी भी डिस्टेंस पे। यहाँ पर ये देखिए ये मूव हो रहा है नीचे से, ठीक है। और कॉपी करेंगे, कॉपी करके मूव करेंगे तो उसकी कॉपीज बनती जाएंगे और ये आपका मूव भी हो जाएगा और कॉपी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर ये इस तरह से ये सब चीज़ें आपको आती हैं। स्केलिंग आपको पता है, रोटेट आपको पता है, शेयर आपको पता है, टिल्ड वगैरह करने के लिए यूज़ होता है। इसमें हॉरिजॉन्टली आप करेंगे ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकली करेंगे वर्टिकली हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से, और कॉपी करेंगे तो एक और आपका ये बन के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपने देखी। CCW रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपका यहाँ पर होगा। और जो है यहाँ पर ये CC से ये हो जाएगा। यहाँ पर फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्री वर्टिकल, रोटेट 180 आपको अच्छी तरह से पता है। क्लियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर हो गई आपकी ट्रांसफॉर्म, ठीक है जनाब। ट्रांसफॉर्म अगेन करेंगे तो अगेन क्या ट्रांसफॉर्म, इंडिविजुअल करना है, वो करना है, तो इसके लिए आपका हो जाए। अरेंज में रहते हैं ट्रांसफॉर्म अगेन बहुत कम यूज़ होता है। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक आपको पता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड आपको पता है। तो यहाँ पर इसमें कोई ऐसी बताने वाली चीज़ नहीं है, ये सब आपने खुद करके देखना है इसको और ख़ुद करना है यहाँ पर, और सब कुछ आपको आता है। सेलेक्ट में आ गए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लास्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये इस तरह से लास्ट ऑब्जेक्ट है ये सेलेक्ट हो जाएगा, तो ये आपने ये भी खुद करना है। ग्रुप अनग्रुप आपको पता है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करेंगे ग्रुप हो जाएगा, फिर से अनग्रुप कर लें। लॉक करना है कि किसी चीज़ को लॉक कर देंगे हम, अनलॉक करना है अनलॉक कर देंगे, हाइड करना है किसी चीज़ को हाइड कर देंगे, शो ऑल स्प्रेड कर स्प्रेड करेंगे सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। अगर आप यहाँ पर जो है HTML कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो आप HTML को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। जनरेट QR कोड, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है अगर एक QR कोड आप जनरेट करते हैं, आपको पता है वो QR कोड जो है वो आप मोबाइल से अपने जब वहाँ पर उसके ऐप वहाँ इंस्टॉल करके देखते हैं तो उसके अंदर जो भी आपने दिया हुआ होता है वो QR कोड आपका आ जाता है। तो हम देख लेते हैं इसे। QR कोड में एक प्लेन टेक्स्ट है, एक वेब लिंक है हाइपरलिंक, एक आपका ईमेल है कि आप ईमेल देना चाहें अपना यहाँ पर तो ईमेल दे दें। देखें यहाँ पर मैं ईमेल देना चाहती हूँ tlccomputer@gmail.com। इसके बाद सब्जेक्ट दे दिया मैंने tlcc, मैसेज दे दिया प्लीज कॉन्टेक्ट दिस एड्रेस, ठीक है, और ओके कर दिया आपने। कलर कोई देना है आपने तो कलर आप दे सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पर कलर रहेगा, ओके कर दिया आपने। ये देखिए ये आपका जो है QR कोड जनरेट हो गया। अब ये जो है जिसके पास मोबाइल ऐप है वो इस पर जब भी जाएगा और यहाँ से जो है इसको जाने के बाद इस पर वो करेगा, तो यहाँ पर आप देखें ये जो आपका ये आ रहा है
यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है आपके पास टू में TLCC कंप्यूटर आ रहे हैं, सब्जेक्ट में TLCC आ रहा है, बॉडी में प्लीज़ कॉन्टैक्ट दिस एड्रेस ये दिया हुआ है। तो ये जब आप मोबाइल से, मैं क्लास में आपको मोबाइल से बताऊंगी, यहाँ तो मैं नहीं समझा सकती हूँ मोबाइल से, तो मोबाइल से जब आप करेंगे तो आपके सामने इसका एड्रेस निकल के आ जाएगा। ये QR कोड बड़े बड़े बिलबोर्ड वगैरह पे भी लगे होते हैं, आपको इसके अंदर अगर देखना है तो आप अपनी मोबाइल ऐप से जो है इसके अंदर के कॉन्टैक्ट आप देख सकते हैं। तो ये होता है जनाब QR कोड, और यहाँ पर जब आपकी ये टूल टिप आपके पास आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जनाब QR कोड हमने देख लिया यहाँ पर, एडिट QR कोड करेंगे तो यहाँ पर ये एडिटिंग कर सकते हैं आप, जो भी एडिट करना है आपको, आपने जो है यहाँ पर ये कर लिया, कोई और QR कोड बनाना चाहे वो कर सकते हैं। टेक्स्ट प्रोमो ऑप्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो है एंचर्ड ऑब्जेक्ट हमें करना नहीं है, फिटिंग आप ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी पिक्चर में, कंटेंट आपके पास ग्राफिक्स टेक्स्ट और ये आप सब पे काम करें, इफेक्ट आप ऑलरेडी देख चुके हैं जिसके अंदर बेवल वगैरह ये सब यूज़ होते हैं, कॉर्नर ऑप्शन हमें करना नहीं है, ऑब्जेक्ट लेयर हमें करना नहीं है, कैप्शंस अगर कैप्शन कोई देना है, कैप्शन सेटअप करना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, वरना कैप्शन हम डायरेक्ट पिक्चर पे नीचे बार बना के देते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा जनाब, इसमें क्लिपिंग पाथ जो है वो आप जो है यहाँ पर क्लिपिंग पाथ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, जब हम पिक्चर लेते हैं फ्रेम के अंदर ऑटोमेटिकली हमारा क्लिपिंग हो जाता है, उसको हम जो है यूज़ करते हैं। पाथ में ओपन पाथ, ज्वाइंट पाथ, रिवर्स पाथ ये सब आपको पता है, पाथ फाइंडर हम देख चुके हैं, शेप हम देख चुके हैं, रेक्टेंगल वगैरह, पॉलीगॉन, कन्वर्ट पॉइंट भी हम देख चुके हैं वहाँ पर, पूरा ये तमाम चीज़ें हम कर चुके हैं। डिस्प्ले परफॉर्मेंस में फास्ट डिस्प्ले, टिपिकल डिस्प्ले, इसको छोड़ दीजिए जनाब। आ जाते हैं हम टेबल पे, टेबल पे आने के लिए हम जो एक नई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और एक क्रिएट कर ली मैंने डॉक्यूमेंट जनाब यहाँ पर, ये एक पेज की। अब आ जाते हैं हम टेबल पे, क्रिएट टेबल, टेबल क्रिएट करना है 3 रो या 4 रो 4 कॉलम का, हेडर रो कोई देनी है, फुटर रो भी देनी है, ओके कर दिया हमने, और यहाँ पर हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया 4 कॉलम और 4 रो का, ठीक है ना। ये 4 कॉलम और मेरे ख्याल 5 कितनी रोज हैं वो आ रही है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी चीज़ आप टाइप कर लें यहाँ टेबल में, ये टेबल बेसिकली जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट या एनुअल रिपोर्ट बन रही होती है या कंपनी प्रोफाइल, तो उसके अंदर दिए जाते हैं, कम यूज़ होते हैं लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं उसमें। अब यहाँ पर अगर आप टेबल देखें तो टेबल में यहाँ पर कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट टैब में करना है, पैराग्राफ में करना है, कॉमे में करना है, किस में करना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अगर टेक्स्ट कोई हो तो आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर तो यहाँ पर जो है जनाब आपका टेबल से कन्वर्ट जब हम करेंगे तो ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमे में कर लें से ओके ये आ जाएगा आपका कॉमे में, ठीक है ना, ये टेबल आपका कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, ये बात याद रखिएगा। टेबल ऑप्शन में टेबल सेटअप आपको करना है कोई, यानी कि टेबल सेटअप में कोई इसकी रो कॉलम ये इसकी कलर कोई देना है आपको, कोई रो कलर देना है आपको, कोई गैप कलर देना है, टाइप में कोई ये करनी है आपको, इस तरह से जो है रो यहाँ पर कॉलम बढ़ाने, बॉडी टेक्स्ट बढ़ाने, रो कम करनी है, जो भी करना है आपको ओके कर दें और ओके कर दें, यहाँ पर जो है ये आपकी चीज़ें आ जाएंगी जो है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने उसको वो नहीं किया था, मैं दोबारा जा रही हूँ इसके अंदर और ज़रा देखती हूँ कि क्या मसला हुआ है इसमें, सेटअप बना लिया ना हमने, अच्छा सही है, टेबल का सेटअप बना लिया। अब जब आगे हम इसको सेल ऑप्शन में जाके इसको करके यहाँ पर स्ट्रोक फिल्स यहाँ पर दे सकते हैं, सेटअप तैयार कर लिया, अब जब भी हम वहाँ से कमांड देंगे तो वो ये सेटअप से जो है इसको वो करेगा, ये देखिए यहाँ पर
यह आपका जो है सेल वो आ गया, ठीक है ना। वहाँ से सिर्फ सेटअप को हम जाके चेंज कर सकते हैं, जो सेटअप है वो इंसर्ट करना है, रो कॉलम डिलीट करना है, सेलेक्ट करना है, मर्ज करना है सेल, ये मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। और जो है अनमर्ज करना है, ये अनमर्ज की कमांड इसमें नहीं दी हुई है। स्प्लिट सेल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली आपने कर दिया। स्प्लिट सेल वर्टिकल, ये वर्टिकल कर दिया आपने। पेज बिफोर पेज आफ्टर आपको पता है। और आपका कन्वर्ट सेल टू ग्राफिक सेल, यानी कि आपको कोई कलर वगैरह देना है, कन्वर्ट रो टू हेडर, डिस्ट्रीब्यूट रो इक्वली, ये आप कर देंगे यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली, ये आप कर देंगे। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। गो टू रो, किस रो पे जाना है मुझे, मुझे रो नंबर 3 पे जाना है, ये 3 पे आ गए हम, यहाँ पर ये नई चीज़ दी हुई है। एडिट हेडर या एडिट फुटर आपको करना है, तो यहाँ से ये एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टेबल स्टूडेंट, आपने देख लिया इसको और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आप वर्ड से करते जा रहे हैं, इसलिए कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर व्यू में आ जाते हैं, व्यू में ओवर प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे हम, तो ये ओवर प्रिंट प्रीव्यू में सारी चीज़ें आपकी ख़त्म कर देगा। ओवर प्रिंट प्रीव्यू जो है आपका, इस तरह से कंट्रोल ऑल्ट वाई आपका यूज़ होता है, ठीक है। प्रूफ सेटअप को छोड़ देंगे हम, प्रूफ कलर्स को भी, जूम इन आपको पता है, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस फिट टू पेज, ये कंट्रोल जीरो में आपको बताती हूँ कि आप लोग रखा करें याद, कंट्रोल ऑल्ट जीरो स्प्रेड फिट टू स्प्रेड कर देंगे आप एक्चुअल साइज में, ये एक्चुअल साइज आ जाएगा आपका, जो सिलेक्शन हुई है उसके एक्चुअल साइज आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन हम जो है फिट टू ये रखते हैं, ठीक है। और या फिट टू स्प्रेड विंडो कर दिया आपने। इसके बाद जो है रोटेट स्प्रेड 90 डिग्री, ये जो भी है ये रोटेट स्प्रेड आपकी हो जाएगी, और इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये है कि आपको बता रही हूँ मैं कि ये हाइट रूलर करना हो, एक्स्ट्राज में से क्या चीज़ आपको फ्रेम हाइट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेम हाइट करने या आपको शो फ्रेम करने, फ्रेम शो हो जाएंगे ये पिक्चर्स वगैरह के, यहाँ पर थ्रेड शो करने, हाइट करने, हाइपरलिंक हाइट करने, शो करने, लिंक्स हाइट करने, शो करने, ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपकी शो हाइट हो जाएंगी। हाइट गाइड्स ग्रिड करनी है, सारी चीज़ें हाइट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ये यहाँ से गाइड और ग्रिड यहाँ से होती हैं। लॉक गाइड्स करना है, लॉक गाइड्स हो जाएंगी यहाँ पे आपकी, ठीक है। डिलीट ऑल गाइड स्प्रेड करना है, वो हो जाएंगे, स्प्रेड को गाइड से बेस लाइन ग्रिड से शो करनी है, वो कर लें आप, ठीक है ना, आपकी बेस लाइन ग्रिड ऑन हो जाएगी। और आपका स्ट्रक्चर में ये शो स्ट्रक्चर आपका जो है, ये स्ट्रक्चर शो हो जाएगा, हाइड स्ट्रक्चर करेंगे, हाइड स्ट्रक्चर हो जाएगा, सही है। स्टोरी बोर्ड आपको चाहिए तो आप स्टोरी बोर्ड हाइट कर लें, चेंज वो कर लें, हाइट चेंज यहाँ पर, और स्टोरी बोर्ड आपका जो है यहाँ से होता है स्टोरी बोर्ड, पहले यहाँ पर आए टेक्स्ट पे, फिर आप यहाँ पर लेआउट में स्टोरी बोर्ड आपका ये रहा, एडिट स्टोरी बोर्ड, ये स्टोरी बोर्ड है आपका, ठीक है। तो ये व्यू का मेन्यू हो गया हमारा जनाब। अब आ जाते हैं विंडो पे, विंडो और व्यू दोनों आपके, ये व्यू में क्या चीज़ रखनी है, क्या चीज़ नहीं रखनी। विंडो में भी इसी तरह से है कि आपको अरेंज में जाके टाइल करना है, कैस्केड करना है, क्या करना है पेज, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं, ये भी आप करते हुए आ रहे हैं। फ्लोट विंडो करना है, स्प्लिट विंडो करना है, जो भी करना है ये आपकी आ जाएगी। यहाँ से वर्क स्पेस आपका शुरू में बताया था कि अगर आपके कोई वर्क स्पेस में रीसेट कर लें आप, तो रीसेट करके आपका सारा वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट वाला आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। न्यू वर्क स्पेस आप बनाना चाहें बना लें, ब्राउज एडिट छोड़ दें, आर्टिकल वगैरह अगर आपको चाहिए, सीसी लाइब्रेरी आपको चाहिए नहीं चाहिए आप हटा दें यहाँ से, कलर की आपको कोई चीज़ चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, कलर चाहिए, वो तमाम चीज़ें आपके यहाँ से रहेंगी। जो चीज़ आपको चाहिए, लेयर पैनल चाहिए, लिंक्स चाहिए, ऑब्जेक्ट अलाइन पाथ फाइंडर आपको चाहिए, मैं बता चुकी हूँ आपको, आउटपुट की कोई चीज़ें आपको चाहिए, ओवरले आपको चाहिए यहाँ पर, तो ओवरले का यहाँ पर पैनल खुल जाएगा। ये सारे पैनल्स हैं, स्ट्रोक का पैनल, स्टाइल्स का पैनल, टेक्स्ट टाइप का पैनल, टाइप और टेबल्स का पैनल, ये आपको चाहिए, यूटिलिटी का पैनल, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है यहाँ पर आपकी होंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने पता नहीं उस क्लास में आपको टैब्स बताए हैं या नहीं बताए हैं, बताए हैं मेरे ख्याल से वहाँ पर टैब्स आपको, तो टैब्स यहाँ भी मैं बता देती हूँ आपको, अगर यहाँ पर टैब्स आपको लेने, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बताए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर टैब आपको लेना है इतना, मैं जो है एक ब्लैंक पेज ले रही हूँ इसके लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, समझ
समझ में, फिर ब्लैंक पेज पे ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पर ये लिया, अब ये लेफ्ट वाला टैब है, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, यहाँ पर ये आ गया एक टैब, ये आ गया दूसरा टैब, ये आ गया। अब देखिए आप कि यहाँ पर मैंने टैप किया, अब मैं यहाँ पर इसको लेती हूँ और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये क्या टैप किया, टैप किया, ये देखिए एंटर एंटर टैप किया, एंटर टैप किया, टैप किया, टैप किया, सही है। इस तरह से आप कोई भी टैप दे सकते हैं, सेंटर टैप दे सकते हैं, राइट अलाइन जस्टिफाई दे सकते हैं, डेसिमल टैप दे सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैंने आपको बताया या नहीं, तो मैंने इसलिए ये ज़रा यहाँ पर ले लिया। इसको विंडो हो गया हमारा, विंडो में आपकी ये करंट फाइल होती है जो कि आपको करना है, सैम्पल यूटिलिटी, आपकी यूटिलिटी में बैकग्राउंड टास्क है ये छोड़ दीजिए आप, इसमें यूटिलिटी में हमें कुछ नहीं करना। सैम्पल बटन और फॉर्म आपके पास यहाँ आ रहे हैं, यहाँ पर ये आप जो है यहाँ पर ले सकते हैं, ये इसमें जो है ये वेब पेज वगैरह बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी जो है फाइल्स हैं, जिस फाइल पे आपको जाना हो वो फाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। हेल्प में आपका हेल्प मेन्यू है, आप हेल्प इंटरनेट से भी डायरेक्ट ले सकते हैं और यहाँ से भी जाके आप इंटरनेट पे जाते हैं और जो भी हेल्प आपको लेनी है वो हेल्प ले सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारा इन डिज़ाइन, और आपने इसका पूरी तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं आज, जो हमारे ये मेन्यू से हेल्प तक के वो भी हमने देख लिए है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको और अपने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और इस पर जो है आप इसकी प्रैक्टिस करके इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।